अध्यक्ष बोले हैं बहुत बहुत बड़ी। हमारे मेवाड़ चैनल के लोकप्रिय हमारे पार्षद छोवालाल जी भोई साहब और हंसा भाभी जी का हम उनके वार्ड के क्षेत्र में स्वागत करते हैं। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटरासा जी और हमारे उदयपुर के पूर्व लोकप्रिय जिला कलेक्टर जिन्होंने उदयपुर की जनता का दिल जीता 2 साल काम करके, कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी ताराचंद जी मीणा साहब के वजह से आज मुझे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का वार रूम का अध्यक्ष बनाया गया है। हम लोग फतेहपुरा पर आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल जी सुखवाला साहब को पुष्पांजलि देकर रवाना हुए, उससे पूर्व हम लोगों ने फतेहपुरा चौराहे पर तात स्मरणीय मेवाड़ के, हमारे मेवाड़ के नहीं पूरे देश के नहीं अपितु पूरे विश्व के आराध्य देव प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की तस्वीर पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, सुखवाला साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद हम लोग कोट चौराहे पर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और अभी हम लोग यहाँ डेलीगेट, क्योंकि हमारे देश के शहीद हुए मेवाड़ के शांति जी आनंदी जी, उनको हमने पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने शानदार काम किया और कांग्रेस वार रूम का जिलाध्यक्ष होने के नाते आने वाले 2-3 दिन में उदयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग गठन कर देंगे और हमारा प्रयास होगा कि मेवाड़ की जनता जिस दिन ताराचंद जी मीणा साहब का टिकट फाइनल हुआ था वही दिन लोग मंडी में कह रहा कि भाया पंकज अब की बार तो तारारो पलोड़ भारी है, तो मारो ये मानना है कि उदयपुर की जनता इस बार कांग्रेस बीजेपी से अलग हटकर अंतरात्मा की आवाज़ पर ताराचंद जी मीणा को विजय बनाएगी और उनके काम के ऊपर छाप लगाएगी। जिलाध्यक्ष छोटे भाई फतेह सिंह राठौड़ जी, अजय सिंह जी, कल्याण सिंह राव साहब, कमल जी का, विनोद पानी साहब कहाँ गए, छासंग अध्यक्ष पानेरी साहब, आओ अटना अटी नहीं जाओ था कटेगा, कमल भाई साहब कटेगा, चौधरी साहब अटे आओ, दाद भाई राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने पूरे राजस्थान में वार रूम का गठन किया है जो प्रदेश स्तर पर भी है। उसी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए बड़े भाई पंकज जी शर्मा को वार रूम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम सैड जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई हैं, शुभकामनाएँ देते हैं और आज उदयपुर शहर से पूर्व विधायक आदरणीय त्रिलोक जी पूर्विया साहब, ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह जी, सीनियर कांग्रेस गण राव कल्याण सिंह जी
लाल सिंह जी झाला साहब, पूर्व अध्यक्ष कमल जी चौधरी, विनोद जी पानेरी और समस्त हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता ने पंकज जी शर्मा का स्वागत किया है। ठीक सर, मंडी आपको आना है, पूर्वी साहब आप बोलेंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई फतेह सिंह जी, वार रूम के प्रभारी उदयपुर के लोकसभा के पंकज जी शर्मा साहब, ब्लॉक अध्यक्ष जी राव साहब, उपस्थित सभी साथी कार्यकर्ता बंधुओं, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि सुखाड़िया सर्कल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंकज जी का स्वागत किया। न केवल स्वागत किया बल्कि हर्षोल्लास के साथ नारे लगाए और बहुत ही खुशी जाहिर की है कि कांग्रेस कमेटी ने हमारे उदयपुर के युवाओं को ये कार्य सौंपा है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चुनाव का दौर है, हमको उलपटांग नहीं बोलना है, हमको मेन है कि हमारा वोट किधर जा रहा है उससे निगरानी करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बूथ वाइज अपना फर्ज बनता है। मैं इस वक्त में बहुत अधिक नहीं कहना चाहूँगा, शांति आनंद जी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान गोलियाँ खाई और उनकी ये मूर्ति भी स्थापित कांग्रेस ने की है उस जमाने से, और ये वह पवित्र स्थल से मैं बोल रहा हूँ। आइए आज अपन संकल्प लें कि उदयपुर में अब केवल 20 दिन रहे हैं, अब 20 दिन रहे हैं, 26 तारीख को तो पड़ेगा, 2 तारीख आगे निकलेंगे खत्म कर, 48 दिन पहले बंद हो जाता है, तो केवल 20 दिन और रहे हैं। इस 20 दिन का सदुपयोग करके जंगे मैदान में कूद पड़ो और इस जंग को जीतना ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबे समय से MLA और MP हमारा नहीं है, इसकी वजह से ये आई है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, इस बार जो है कैंडिडेट है बहुत ही अच्छा देगा, देखा भाला। उदयपुर में कलेक्टर के पद में काम करते हुए भी उसने कलेक्टर की बू नहीं थी, आम कार्यकर्ताओं का उसने भला किया है और सब लोगों का, जनता का उसने भला किया है। आज उदयपुर में आम जनता कांग्रेस के कैंडिडेट ताराचंद जी की हवाई ले कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया, बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया। ऐसे में भाइयों, आप और हमको संकल्प लेकर के इस जंगे लड़ाई में कूदना है और अपने अभ्यस्त को प्राप्त करने के लिए कूद पड़े और मीणा जी को जीता करके विजय करना है। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह जी, फिर आप सब बोलते हैं। मैं कांग्रेस हाईकमान का सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर पंकज जी जैसे जांबाज आदमी को वार रूम का अध्यक्ष बनाया। वार यानी कि लड़ाई, जंग, और जंग के मामले में क्योंकि पंकज जी के साथ मैंने बहुत वार, बहुत जंग 35 साल से लड़ता आया हूं, तो मैं कांग्रेस हाईकमान का मैं विश्वास जताता हूँ सबकी तरफ से, उदयपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि निश्चित तौर पे जो वार रूम की जिम्मेदारी आपने पंकज जी को दी है, इनके नेतृत्व में कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता इस वार को, इस जंग को जीत के बताएंगे और कांग्रेस के खाते में सबसे पहले ये उदयपुर की सीट देंगे, ये मैं इस अवसर पर आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे डॉक्टर कल्याण सिंह राव साहब, फिर साहब आप, डॉक्टर कल्याण सिंह राव साहब बड़े भाई साहब, इंटू जी हरी जी आओ ना, अब तो 24 घंटे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब ने हमारे उदयपुर के जांबाज कांग्रेस लीडर पंकज शर्मा जी को उदयपुर लोकसभा चुनाव में वार रूम के जो इंचार्ज बनाए हैं, मैं सबसे पहले तो जो प्रदेश हाईकमान है उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पंकज शर्मा जी उदयपुर का एक जाना पहचाना नाम है, पिछले 40 सालों से मेरे से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, NSU से लगाकर, बूथ से लगाकर, यूथ कांग्रेस से लगाकर, प्रदेश कार्यकारिणी में और DCC में पंकज जी विभिन्न पदों पर रहे हैं और इंटक में भी काफ़ी अच्छा काम आपने किया है। और ऐसे एक अनुभवी व्यक्ति को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस लोकसभा चुनाव 24 में जो उदयपुर लोकसभा का जो वार रूम का अध्यक्ष बनाया है, मुझे उम्मीद है कि ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष बनने से, इंचार्ज बनने से कांग्रेस पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी और लोकसभा चुनाव में भारी मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद जी विजय होंगे। धन्यवाद आप साहब। हमारे प्रवक्ता, पूर्व प्रवक्ता पार्षद फिरोज अहमद शेख साहब, मेरे बड़े भाई पंकज जी शर्मा को वार रूम उदयपुर लोकसभा का अध्यक्ष बनने पर सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, उन सबका मैं आभारी हूँ जिन्होंने उदयपुर के वार रूम के लिए युवा नेता पंकज जी शर्मा को बनाया है। वार का मतलब होता है युद्ध, ये युद्ध लोकतंत्र का युद्ध है। अब जो ये लड़ाई लड़ी जाएगी लोकतंत्र के लिए लड़ी जाएगी, और इस लोकतंत्र की लड़ाई में हमारे जो कैंडिडेट है ताराचंद जी मीणा, वो निश्चित तौर से मजबूत होकर विजय होंगे। शुक्रिया। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।